गाइस आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास आए हुए आगा सईद बेगा आगा, देखते हैं उनसे बात करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। सो गाइस हमारे साथ बैठे हुए आगा, तो आगा से पूछते हैं कि ये क्यों पॉलिटिक्स में आए, किस वजह से आए, किस हिसाब से आए, सब सवाल जवाब करेंगे इससे। सलाम वालेकुम आगा जान। वालेकुम सलाम। जोर इन बखैर आगा जान। नमस्ते जान चुन जोर। शुक्र दुआ शुक्र। आगा जान मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पॉलिटिक्स में किस वजह से आए। यूसुफ लाला है नाम शुम। जी आन। आन। शुक्रिया शुमर आदामुनुम कि इमरोज द कराची शहर द फारसी बुकम उर्दू में उर्दू उर्दू आज मैं कराची शहर हुसैन हजारा गोड रूबरू मुबारकाई अबुल फजल अब्बास जो यूसुफ भाई से मुझसे शुरू कर रहे है, बात पूछ रहे है। तो दो तारीखी महीना 3 साल 2024 साल है। मैं आपका चैनल का शुक्रगुजार हूँ, यूट्यूबर है आप। मैं दोस्तों से यही चाहता हूँ कि हमारा बात को आगे तक शेयर करें, लाइक करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से हम कोई शहर में देख रहे थे कि गरीब लोगों को लोग अहमियत नहीं दे रहे। बिल्कुल। चाहे वो शक्ल नौकरी के हवाले से हो, हमारे मसला मसाइल अमन अमान के हवाले से हो, हालात वक्त जब खराब थे लोग जवानों को दबाते थे, हमारा हजारा कौम को। जी जी। जो शक्ल वकील बशक्ल डॉक्टर बशक्ल प्रोफेसर बशक्ल आप जैसा यूनिवर्सिटी पे जा रहे थे, टारगेट क्लिंग बम धमाके हर चीज हमारा हजारों के ऊपर था। बिल्कुल। तो हमने देखा कि भाई हम आवाज़ कौम बने, आवाज़ कौम को आगे तक दुनिया में पहुंचाए। तो जो हमारे शिनाख्त के हवाले से राइसी कार्ड था वो भी चाहे बशक्ल नादरा हो, DRO चेसवेक हो, DC ऑफिस डोकल का मसला हो, पासपोर्ट हो, तो हर चीज में हम देख रहे थे गरीबों के साथ बहुत ज्यादती हो रही थी। तो इसी वजह से मैंने मैदान में कदम रखा। बिल्कुल। ये तो आपकी मेहरबानी है। आप ये बताएं कि आपके साथ ये लड़के जवान जवान लड़के खड़े हो गए, आपको मतलब क्या देख के लोग खड़े हुए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं शुक्रगुजार हूँ भाई का जो यूट्यूब चैनल है, आपने जो है मैं आज के हवाले से दोबारा तारीख अच्छा है ना, 2-3 साल 2024 साल है क्योंकि 8 फरवरी इलेक्शन गुजर गया। नौजवान यही चाहते थे कि भाई लोग कॉम्प्रेस्ट की शक्ल में पसमानदगी है, मजहब के नाम पे लोग पसमानदगी है, मुख्तलिफ सियासी जमातों में लोग पसमानदगी है। नस्ल नौजवान ये चाहते थे कि आगा जान अगर आगे आए तो हम कोशिश करते थे सबसे पहले इनको बशक्ल नौकरी रोजगार गवर्नमेंट में जो कोयटा शहर में हम रहते हैं सऊल में मुख्तलिफ महकमों में हम इनको नौकरिया पे लगाए और नस्ल नौजवान को जो है हम लोग रोजगार चाहे बशक्ल कारोबार हो हर चीज हो तो ये काम उनके लिए हम करें। तो इसी वजह से वो लोग देखते थे हमारे बाजू में ताकत है, हर चीज मिसाल बात हम कर सकते हैं, हम किसी हुकूमती वक्त चाहे सूबाई हो वफाकी हो मुख्तलिफ इदारे हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। बिल्कुल। खुद से काते हैं, खुद मेहनत करते हैं और खुद अपने कौम के लिए जिस तरह हजरत मानसिन इस्लाम इंसानियत के लिए खिदमत के, हम ये नहीं देखते ये बलोच है, ये पश्तून है, ये सराइकी है, ये हजारा है। और इसी तरह आपने जवानों का नाम दिया तो आज आप देख सकते हैं हुसैन गोड हजारा में रूबरे मुबारकाई अबुलफजल, आप लोग भी हजारा कौम ताल्लुक रखते हैं जिस तरह इधर भाई मेरे साथ बैठे हुए इनको भी दिखाओ। जी जी। हाँ ये इधर भाई है दोस्त है। तो इसी तरह आप लोगों ने आज के हवाले से मुझे इज्जत दिया है तो कल इसी तरह बलूचिस्तान में आपका जो भी मसला मसाइल हो तो सबसे पहले मैं आगे होऊंगा, आप लोग मेरे पीछे होंगे, मसले को खुदा हल करते हैं, मैं एक वास्ता हूँ आवाज के लिए। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप जैसा कि जानते हैं पूरे पाकिस्तान में आगा जान बहुत मशहूर है आगा रजा के नाम से, कोयटा से ताल्लुक रखते हैं अलमदार रोड से। तो आगा साहब हमारा आपसे सवाल है कि आप इस दफा इलेक्शन में खड़े हुए, हमने सुना काफी जवान आपके साथ थे, कोयटा की अक्सरियत आपके साथ थी, तो ये कैसा हुआ और क्यों ऐसा हुआ कि आपको ये सीट नहीं मिला आपको? मैं सबसे पहले इधर भाई आपका शुक्रगुजार हूँ जो कि आज आपने हमें इज्जत दिया है, आपने हमारे साथ अपने चैनल के थ्रू जो यूट्यूब में चला रहे फेसबुक में या टिकटॉक में, तो मैं सजाए हजारा आपका दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो कि आज 2 तारीख में 3 साल 2024 साल है, 8 फरवरी इलेक्शन जो गुजर गया। हम तो यही चाहते थे कि अगर मैं सईद रजा इस बार जो नस्ल नौजवान ने इतने हजारों की तादाद में 5-6 हजार हजारा कौम नौजवान
दिन रात 500, 100, 300, 400 हर रात हर दोपहर मेरे घर पे आते थे काका जान, आज फॉरवर्ड इलेक्शन हम आपके साथ है। इसी तरह मुख्तलिफ कौमें भी सामने भी कह रहे थे, आप पश्तून, बलोच, सराइकी, मेरे वकील मंजूर रहमानी साहब है, सराइकी है, सूरज खान साहब है, इसी तरह कोयचा शहर के जो ताजरीन है, सदर जनरल सेक्रेटरी, माइन सदर ज्वाइंट सेक्रेटरी से मैं ताल्लुक रखता हूँ, कोयचा शहर में मिजान चौक में हमारा दुकान है, तो सब ने जब हमने दफ्तर को मिजान चौक में इस्तेदा किया, तमाम पश्तून लोग, हजारा कौम, जवान सब आकर हमारे दफ्तर को इस्तेदा किया, आलमदार रोड में 99 मार्केट में हमारे ईसा कली बिरादरी हजारा कौम से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने अपने बड़े इससे चार गुना बड़ा था, उसने दफ्तर खोला, उसके बाद जूस वाले दुकान थे आगा, उसने भी दफ्तर खोला, तो सब आवाम ने हमारे साथ दिया। लेकिन हुकूमत वक्त जो निगरान हुकूमत थे, जो इलेक्शन कमीशन यारो थे, तो जो कमिश्नर कोयचे थे, इन्होंने जो 75 साल ये सीट हजारा कौम का था, मेरा दादा बाप 75 सालों से, तो ये हजारों ने जीता था हमेशा। लेकिन इससे पहले 2018 इलेक्शन में, 2008 में, 2013 में चार मरतबे ये हजारा कौम के चार नुमाइंदे थे, मैं नाम लूंगा, जो कि आजकल कर्नल साहब इसी कराची में रहते हैं, आपके मल्ले में, जो हजारा हुसैन गोड़ में शायद इधर ही है ना, इधर नहीं, सदर की तरफ, चलो सदर की तरफ, बेशक वो जब सीट जीता था तो कोयचा शहर आलमदार रोड उस टाइम हल्का पीपीचू था, तो उसके बाद जान ली चंगेजी था जो हजारा कौन से ताल्लुक रखते थे, उसके बाद दोबारा आगा रिजा था मेरे नाम, तो 2013 में उसने उस सीट को जीता था, पीपीचू था, उसके बाद जो 2018 इलेक्शन में मैं भी था और मेरे दोस्त जो ताहिर खान साहब हजारा कौम से ताल्लुक रखते थे, आज हमारे दरमियान में नहीं है, वो भी कड़ा था, इलेक्शन 2018 को उन्होंने जीता था, लेकिन क्या था, सूबाई हुकूमत वक्त ने उसको नहीं लाया, खाली हजारा को लाया। आज मिसाल एक पश्तून कोयचा शहर से ताल्लुक नहीं है उनका, उनका जॉब से ताल्लुक है, हम उसका नाम इस वजह से नहीं बोलते, हम कोई हमसे पूछते है किसको आप शबरम खान क्यों कह रहे, हमने बोले इनको क्यों मैं अहमियत दे रहे, ये हमारे इदारों ने, चाहे बेशक कोर्ट कमांडर है, आर्मी चीफ जनरल मुनीर साहिब है, तो हम इनसे गिला बजा हक रखते हैं कि आप क्यों, मिसाल जॉब वाला बंदा लोकल भी नहीं है, गैर लोकल है, बेशक पाकिस्तानी है, उनका एरिया अलग है, जो कि हमारा हल्का 42 कोयचा 5 से मैं खड़ा था, मेरे सीट को छीन करके, हजारा कौम से छीन करके उस पश्तून को दिया गया है, और इसी तरह हजारा कौम दो जगह में आबाद है, हजारा टोन हल्का 40 जो कि कादिर नाइल थे, जो कि उन्होंने जीता था, हमारे एक बलोच हमारा सूबे का है, हम मानते हैं कि हम बलोचिस्तानी है, लेकिन दिल इंसान का दर्द करते हैं कि आप नौशकी से किस तरह आकर हजारा टोन में ये सीट जीता, लेकिन 6-7 लाख करीब हजारा अगर वहां पर आबाद है, लेकिन बलोच लाख की तादाद में भी नहीं है, 20,000 की तादाद में भी नहीं है, 10,000 घर में भी तादाद नहीं, 5,000 की तादाद में नहीं है, उसको किसने लाया था, यही हमारे कोर्ट कमांडर बलोचिस्तान ने, यही है हमारे जो मुख्तलिफ बेशकल एफ आई ए बोले, स्पेशल ब्रांच बोले, आई जी पुलिस, सब इदारों ने मिल करके जो हजारा टोन का, अगर आप कादिर नाइल को नहीं लाते थे, वहां पर हमारा दोस्त आगाए आसिफ नौजवान हजारा कौन से ताल्लुक रहते थे, गालिम थे, तो उनको लाता, तो उसके बाद एक सईद अब्बास नामी शख्स थे, तो उनके बाद जो कादिर नाइल थे कोई और था, जिस तरह खालिक ने कहा हल्का 42 की मैंने जीता है, 7,200 वोट इसने लिया है, ये खुद कहते थे, लाइव आए थे, ऑडियो बनाए थे, लेकिन रात ही रात यारों ने उसको लाया, उस पश्तून बंदे को, शलगम खान को लाया, लेकिन बात यह है हम इसी वजह जो नस्ल नौजवान देख रहे कि लोग कोयचा शहर में आलमदार रोड हल्का 42 कोयचा 5 में हमारा आगा यसनैन एमडब्ल्यूएम से ताल्लुक रखते थे, वादद उन समीन से, इन्होंने आप देख सकते हैं 4,000 वोट लिया, एक एहतजाज 2 घंटे तक नहीं करवाया, हम कहते थे कि आप एहतजाज करें, आपने लोगों से वोट लिया है, लेकिन इन्होंने खामोशी इख्तियार कर दिया है, इसके बाद खाली हजारा कहते हैं मदारों का जहान का लीडर है, ये अपने घर में बैठते हैं एहतजाज पे रूबरू असेंबली बलोचिस्तान नहीं जाते, अगर दो नुमाइंदे हजारा टोन वाला कादिर नाइल आते हैं जो निगरान हुकूमत थे, तो जब 8 फरवरी गुजर गया मिसाल 18 तारीख में उन्होंने क्या कहा, ऐलानात किया कि कादिर नाइल अफगान बाशिंदा है, सबसे पहले मैंने आवाज उठाया, मैंने जान चकजई गंजे खान को मजम्मत किया कि भाई ये हर शेरी का हक है, आप सीट हमसे छीन लेते, उसके बाद शिनाख्त
इफ्तिकार के हवाले से जो एक 5 साल गवर्नमेंट में एमपीए था कादर नाइल को अब अफगान माजिर कराते हैं। मैं सीरीजा बहसीत सोशल वर्कर बहसीत एक अवामी नुमाइंदा मैंने सूबाई हुकूमत बलोचिस्तान को मजम्मत किया, मैंने मुख्तलिफ इदारों को मजम्मत किया कि भाई कादर नाइल पाकिस्तानी है और आप लोग इसी तरह हम हक का बात करते हैं। जब 2013 से लेकर 2018 तक इंतहाई दिन में 100 बंदे 20 बंदे 10 बंदे कोयटा शहर में हर जगह हजारों कौम दुकानदार लोग शहीद हो रहे थे, मजदूर सब्जी वाला और लोग का एनआईसी कार्ड मस्तूम में चेक करके गोलियां मारते थे। हम आवाज एक बुलंद करते थे। हमारा मिसाल अकबर भाई जब मस्तूम में करबला से वापस आए थे शहीद हुआ था तो हम अपने चेहरों को जलाते थे, मैदान चौक में एहतजाज करते थे, सूबाई हुकूमत मुर्दाबाद, प्रेस क्लब में हमने जो ताहिर खान अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे इनके साथ मिजान चौक में प्रेस क्लब में बाईपास रोड में जब हमने चमन शाहरा रोडों को ब्लॉक किया था तफ्तान शाहरा को वही खालिद नुमाइंदे थे कादर नाइल और डीसी कोयटा और वजीर दाखिला बलोचिस्तान ये आते थे कि भाई आप इस रोड को छोड़े। मिसाल क्यों हम कहते थे कि हमारा सब्जी वाला जो शहीद हुआ था हम कहते थे कि इनको तहफूज दे हमारे डॉक्टर को इंजीनियर को, लेकिन सूबाई हुकूमत तहफूज नहीं दे। 2 बजे रात हमें फोन आते थे कि आपका पूरा खानदान का एनआईसी कार्ड कैंसिल करते हैं। हम बोलते थे कि आप करें इस पे सबसे पहले मेरे जो इंतकालात जो मकानात है जमीन है जो मैंने खरीदा है उनके इंतकालात जो मेरे नाम पे कोचर तहसील मेरे वालिद के नाम पे वरासत मुझे मिला है उस जायदाद का फर्क इन्होंने कैंसिल किया, मुझे कोई खौफ नहीं है। उसके बाद अगला फोन पिछले हफ्ते आया 2014-15 का मैं बात कर रहा हूँ 2013 का। उनके बाद क्या हुआ कि भाई मेरा भाई का जो सीमंदरी कार्ड था यही हुकूमत वक्त की तरफ से जो सूबाई हुकूमत थे उन्होंने मेरे भाई का कार्ड कैंसिल किया। उसके बाद छोटा भाई का कंबर तहीन का कार्ड ब्लॉक किया। हमने मैदान को नहीं छोड़ा, हम आगे बढ़ा कि भाई जिस तरह हजारा कौम नस्ल नौ जवान पश्तून सब मेरे साथ है तो बेशक मेरा खुद भी है ना इस कार्ड अगर वो मिसाल तौर पर कैंसिल करते तो करे लेकिन मेरा सर बीच रहे न रहे मेरा जबान मेरा साथ दे दे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये हजारा बलोचिस्तान का नौजवान का हजारे का मैं बात करता हूँ। इस वक्त आज हम जो मुबारकाए अब्बास कराची है गोट में जो हम बैठे हुए हैदर भाई के साथ यूसुफ भाई के साथ तो हम ये देखो ये मेरा पहचान है थोड़ी सोशल मीडिया के आप लोग मेरे साथ दोस्त हैं तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझसे टेम लेकर मेरा ऑडियो क्लिप आप दुनिया में चुप में डाल रहे हैं तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जोर बाशी तो गए दादा चले गए कोयटा सोराबगढ़ गए बस स्टैंड पे भी मैंने उन लोग को बोला आओ खाना वाना बैठ के साथ खाते उन्होंने बोला नहीं मैं जा रहा हूँ अभी मेरा टिकट है कोयटा के लिए तो वो लोग कहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ शान भाई मुन्ना भाई जाहिद भाई रिजवान भाई टर्नओवर भाई।